वेलकम स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने सीखा था पार्टनरशिप डीड के बारे में और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बेसिक्स। तो आज हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को शुरू करेंगे, जैसे कि पार्टनर्स को अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ या फिर इनसफिशियंट का केस है। तो क्लास काफी लंबी होने वाली है बट आपको पार्ट्स में मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। नोट्स के पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो उसका क्वेश्चन नंबर टू से स्टार्ट करेंगे। वन बहुत ईजी है, लास्ट क्लास में जैसे मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे कराया था वैसे ही आपने करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास। पार्टनर राम एंड श्याम विद कैपिटल 80,000 70,000। तो इनका कैपिटल हमें गिवन है, तो मैं क्वेश्चन की डिटेल्स बोर्ड पे लिखना स्टार्ट कर देता हूं क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर टू, पार्टनर राम और श्याम, तो ये तो मैं अपने लिए बना रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80,000 की कैपिटल है राम की, श्याम की है 70,000 की। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है, पार्टनर श्याम इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 4% ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो जो भी प्रॉफिट वो कमाएंगे उनका 2% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट हमें देना है श्याम को, सॉरी 4%। पार्टनर राम वॉज अलाउड अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। अब यहाँ पे जो सैलरी है ना पार्टनर की, वो 2,000 पर मंथ है। इसका मतलब पूरे साल की आप 12 से मल्टीप्लाई करके 24,000 निकाल लेंगे। द फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 62,500। पार्टनर्स आर ऑल्सो अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। ठीक, तो क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया है, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना था बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब मैं सारी की सारी शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूं क्योंकि सिलेबस हमारा ना बहुत बड़ा है, इसलिए पर लिखेंगे सारी चीज सो डेट कुछ मिस आउट ना हो। पेपरों में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट पूरा लिखना है, पर ये जो डेबिट लिखा है वो क्रेडिट लिखा है, ये शॉर्ट फॉर्म्स चल जाएंगी। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो टू आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पेपर में आपको पूरा लिखना है। तो राम श्याम के लिए भी मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूं, आरएनएस। तो 80,000 का 12% होता है 9,600 और 70,000 का 12% होता है 8,400। टोटल कितना आएगा हमारे पास 18,000। ये जो कैलकुलेशन है ना आप यहाँ दिखा भी सकते हैं, वर्किंग नोट भी बना सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। एक क्वेश्चन में वर्किंग नोट भी बना दूंगा, एक में यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। फिलहाल मैं शाम की कर देता हूँ, यहाँ पे आप कर सकते हैं 70,000 इंटू 12%। और यहाँ पे एक लाइन बीच में इसकी भी कैलकुलेशन दे सकते हैं पार्टनर राम की। फिलहाल मैंने नहीं छोड़ा, कोई उससे ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 12% कैलकुलेट आप ओरली करके कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, सैलरी है किसकी, पार्टनर राम की। टू आर सैलरी कितनी है 24,000, तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा 2,000 इंटू 12। इस तरीके से मुझे क्या करना है, कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी। अच्छा एक चीज और है, इस क्वेश्चन के अंदर ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन, तो उसको देखेंगे कैसे डील करना है। अभी फिलहाल क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब क्या देना है मुझे, पार्टनर श्याम की, तो एस सैलरी सॉरी कमीशन। तो पार्टनर श्याम की कमीशन कितनी देनी है, 4% ऑफ द नेट प्रॉफिट विच इज 62,500। तो 62,500 का हम क्या करेंगे 4%, 4/100 ये निकल के आएगा 2,500। अब क्या करोगे, अब 62,500 टोटल है, उसको टोटल में डाल देते हैं, डबल अंडरलाइन करेंगे इसको, और उसमें से ये सारे खर्चे माइनस करोगे। पहले तो 2,500 माइनस कर दो, 60,000 बच गया। उसके बाद 18 और 24 माइनस करके आपके पास 18,000 एग्जैक्ट बचेगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है। जब तक करंट अकाउंट लिखना मैंडेटरी नहीं है, वो कब होएगा वो हम बाद में बताएंगे, तब तक हमारे पास ऑप्शन रहेगा। अच्छा एक चीज और, लास्ट क्लास में ना मतलब मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी थी, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वो ज्यादा सही है या ये ज्यादा सही है, तो ये ज्यादा सही है। क्यों, क्योंकि हम ना लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, और जर्नल एंट्री कैसे बनाओगे, यहाँ पे
PNL appropriation debit 18,000 to partners capital account 18,000। अब यहां पे अगर इसकी पोस्टिंग करो PNL में डेबिट करने किस नाम से टू पार्टनर्स कैपिटल, यहां कहां हम प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखने लग गए, वो तो नरेशन में लिखते हैं, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट टीचर्स नंबर काट रहे हैं तो उनको एक बारी बता देना कि यहाँ पे सर या मैम अगर हम इसकी जर्नल एंट्री पोस्ट करेंगे, क्योंकि इसकी जर्नल एंट्रीज भी तो करनी है, तो जब जर्नल एंट्रीज करोगे तो या तो यहाँ पे भी आप लिखाओ कि प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इस नाम का फिर एक आपको लेजर बनाना पड़ेगा ना साथ में, तो आप बना नहीं रहे हो, बिना लेजर के आप जर्नल एंट्री पोस्ट कर रहे हो और उसके आगे की पोस्टिंग लेके आ रहे हो, जो कि गलत है, बट ठीक है हमें मार्क्स चाहिए, हम वो भी लिख देंगे, ये भी लिख देंगे। अब जब पार्टनर राम और श्याम की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट को बांटोगे इक्वली। तो जैसे ही आप नोट्स देखोगे, नोट्स में नीचे आपको हिंट भी दे रखा है, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन देन प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, एब्सेंस ऑफ डीड का क्वेश्चन है। तो जो भी मैं आपको क्लास नोट्स दूंगा उसके अंदर जो भी हिंट रहेगा या जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका नीचे आपको आंसर भी देखने को मिलेगा, ठीक। तो इक्वली बांटने का मतलब आधा राम का कितना 18,000 का आधा 9,000 और आधा श्याम का 18,000 का आधा 9,000। इसका वर्किंग नोट भी बना सकते हैं, बहुत सिंपल है, मैंने बनाया नहीं, लास्ट क्लास जैसा आप बना सकते हैं। अभी क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चंस लेंगे, बट उससे पहले ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन आपके पास पीडीएफ है उसको सॉल्व करिए और फिर अगले क्वेश्चन पे पढ़ना, साथ साथ आपको सॉल्व भी करना है, अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं होगी। बुक के क्वेश्चन कराएंगे, एक दो क्वेश्चन इधर से कराने के बाद बुक के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, पर लेकिन पहले इसको आप सॉल्व करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, बट उससे पहले ना एक टॉपिक है जो कि एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, तो वो एडजस्टमेंट्स जो है अगर आपके पास नोट्स है तो ठीक है, नहीं तो डाउनलोड कर लीजिए, उसके फॉर्मेट में जहां पीएनएल अकाउंट को हमने समझाया है यहाँ पे एक स्टार है, उस स्टार की एक्सप्लेनेशन ये थी। अब ये एडजस्टमेंट्स क्या है इसको पहले समझेंगे फिर करेंगे। तो बच्चों इसमें ना दो टाइप की एडजस्टमेंट्स है, तो अगर आप नोट्स देखेंगे मैंने और करके लिखे, और से पहले वाली एडजस्टमेंट पहले समझेंगे उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रॉफिट अगर हमने कमा लिया है 4 लाख रुपीस, ठीक, अब क्वेश्चन आपको डिटेल दे रहा है कि एक पार्टनर है मिस्टर वाई, तो वाई की सैलरी जो 24,000 है वो आपने इस प्रॉफिट से माइनस कर रखी है, तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर पार्टनर की सैलरी माइनस नहीं होती। थोड़ा सा बना लेते हैं 11th का, तब समझ में आएगा। अब ये आपके पास क्या है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रफ में मैं थोड़ा सा बना रहा हूं। तो यहां पे जो नेट प्रॉफिट आ रहा है ना, नेट प्रॉफिट 4 लाख, ये आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी है, मतलब इसके अंदर हमने वाई की सैलरी को डेबिट कर दिया, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि यहां से पार्टनर को सैलरी नहीं देनी। पहली चीज क्या है कि अगर प्रॉफिट होएगा तो ही पार्टनर को सैलरी देनी है, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे लॉस वाले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में आ जाएगा, ठीक। तो इसलिए पहले आप प्रॉफिट कमाओगे, उसके बाद सैलरी पार्टनर को पीएनएल अप्रोप्रिएशन से दोगे। क्यों? क्योंकि ओनर का अकाउंट है पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पीएनएल में सर वो चीजें जाती है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, मतलब कि देना ही देना है चाहे लॉस हो जाए, ठीक। तो ये चीज यहां पे नहीं आनी चाहिए, इस प्रॉफिट को हम अगर ठीक करें सैलरी काट के तो ये प्रॉफिट होएगा 424। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे 4,24,000 से। तो 4 लाख तो जो क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है नेट प्रॉफिट की वो लिख देंगे और इनर कॉलम में ऐड कर देंगे वाई सैलरी 24,000 और 4,24,000 से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। बट अगर आप देखो तो क्वेश्चन के जो आंसर आने वाला है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बात ठीक है, पर लेकिन हमें तब भी इधर ही डालना है, प्रेजेंटेशन को ठीक करना है। अब प्रेजेंटेशन को क्यों ठीक करना है,
हम अकाउंट्स पढ़ाते हैं तो काफी बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि सर प्रेजेंटेशन से क्या फर्क पड़ रहा है, आंसर तो आ ही रहा है तब भी। बच्चों बात ये है कि जो ओनर है ना वो सैलरी पहले विड्रॉ कर चुका है इस क्वेश्चन में, जो ये बुक का क्वेश्चन ही है। और भी पार्टनर्स है, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स है, तो तीन पार्टनर्स में से एक पार्टनर अगर सैलरी छुपा के ले जाए तो दिक्कत वाली बात है। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स के बीच में क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पार्टनर यहां से चेक करेगा, यहां से बाद में चेक करेगा, तो इसलिए चांसेस ऑफ फ्रॉड बन सकते हैं। इसलिए हमें प्रेजेंटेशन को ठीक करना है। हर चीज को ना प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के देखोगे तो समझ में आएगा। अगर आप पार्टनर हो तो आपके साथ का पार्टनर अगर सैलरी ले गया जो कि प्रॉफिट कमाने से पहले ही ले गया तो गलत बात है ना। आप सबको तो उसने बोल रखा है कि पहले हम प्रॉफिट कमाएंगे फिर उसको बांटेंगे आपस में, पर प्रॉफिट होना हो पहले कैसे ले सकता है? और उसकी सैलरी अगर आपको चेक करनी हो आप कहाँ करोगे? पीएनएल में थोड़ी करोगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में करोगे। तो हो सकता है वो एक बारी और निकाल के ले जाए जो कि और भी ज्यादा गलत है। तो इसलिए प्रेजेंटेशन को ठीक करना ज्यादा अच्छा रहता है। तो हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा है, इफ एनी अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स दैट इज सैलरी कमीशन आईओसी एक्सेट्रा, मतलब पार्टनर को कुछ भी देना है वो अगर इज अलाउड टू एनी पार्टनर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट, वो पीएनएल अकाउंट से माइनस हो गया तो हम उसको वापस से एड बैक करके प्रॉफिट को ठीक करते हैं। चलिए जब टॉपिक समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर थ्री करेंगे। पार्टनर एबीसी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, तो यहां पे बना देते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की डिटेल्स। ए बी सी 2:2:1, कैपिटल ऑफ पार्टनर 654, तो 6 लाख्स, 5 लाख्स, 4 लाख्स, ये इनकी कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, तो इसको डाल सकते हैं, सीधा डाल देते हैं, 5% है ना, तो 6 लाख का 5% आ जाएगा। पहले लिख देते हैं ए बी सी। अब 6 लाख का 5% कितना आ जाएगा? 30,000, 5 लाख का 25,000 और 4 लाख का 20,000, तीनों का टोटल 75,000। ठीक, तो ये तो मैंने साथ साथ डाल ही दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, क्या है हमारे पास? सैलरी टू पार्टनर सी 3,000 पर मंथ, तो ये भी दे दो। टू सी सैलरी 36,000, कैसे? 3,000 × 12। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, प्रॉफिट्स आफ्टर अलाउिंग सी सैलरी इज 1,25,000। यहां गड़बड़ है, ये उसने सही नहीं करा। ये 1,25,000 में हमें पहले सी की सैलरी ऐड करनी पड़ेगी। सी सैलरी 36,000 जो हम निकाल चुके हैं, तो क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे? 1,61,000 से, 1,61,000 से। उसके बाद क्वेश्चन को नॉर्मली कंटिन्यू करेंगे। आप एक बारी यहां तक बना लीजिए पॉज लेके, उसके बाद इकट्ठे स्टार्ट करेंगे, वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे। चलिए वापस से समझते हैं। तो प्रॉफिट को ठीक करके 1,61,000 आ गया क्योंकि पीएनएल से ले गया, गलत बात ही। वापस से ऐड करो, उसमें से 36,000 माइनस करोगे वापस 125 आएगा, 75 माइनस करोगे तो 50,000 आएगा। अब 50,000 को तो हम बहुत इजीली बांट सकते हैं, 2:2:1:5 से डिवाइड करना है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी कितना कितना आ जाएगा? 20,000, 20,000, 10,000। इस बार मैंने वर्किंग नोट और कैलकुलेशन नहीं कराई क्योंकि पिछली वीडियो में भी करा चुका हूं, और अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आपको आ जाएगी, नहीं करी तो रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको दिख जाएगा। पर मैं ये चाहता हूं अपने आप से करो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बार बार बोल रहा हूं, प्रैक्टिस नहीं करोगे सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा। मैं ये चीज बार बार बोल रहा हूं, मेरी वीडियो का कोई यूज नहीं है, बंद कर दो, चलाओ ही मत, उससे अच्छा जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए, अगले टॉपिक पे चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, मैं बुक का क्वेश्चन लेना चाहूंगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। और मेरे पास 2022 का एडिशन है, 2022 में एक क्वेश्चन है अतुल मिथुन, क्वेश्चन नंबर 16, जिनके पास
एक एडिशन नया है 2023 और यह पुराने एडिशन है, सब में ये क्वेश्चन है, तो अपनी अपनी बुक से आप रेफर करिए। अतुल और मिथुन दो पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, तो ये क्वेश्चन ढूंढने में आसानी हो इसलिए इसका प्रॉफिट मैं बता देता हूँ 17,000-48,000 आंसर में आप लोग ढूंढ सकते हैं। जो मेरे पास बुक है उसमें 16 है 2022 में। तो अतुल मिथुन दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं और उनकी कैपिटल गिवन है 5,00,000-6,00,000, ये क्या है उनकी कैपिटल है। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल के साथ ना इन्होंने वर्ड लिखा है फिक्स्ड, तो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या हुआ, जो लास्ट में यहाँ पे आंसर आएगा ना तो हम उसको क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, नहीं प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि जब हमारे पास कैपिटल गिवन होएगा ना उसको हम ट्रांसफर करते हैं करंट अकाउंट में। अतुल और मिथुन ऐसा क्यों करते हैं ये मैं आपको बाद की क्लासेस में ज्यादा अच्छे समझा पाऊंगा जब हम फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का डिफरेंस करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन को आगे लेते हैं हम लोग, ठीक। तो क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है, हमें लोन दे रखे हैं दो टाइप के, एक के साथ क्रेडिट है एक के साथ डेबिट है, पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे। 3,00,000 रुपीज क्रेडिट है अतुल के साथ और 2,00,000 रुपीज डेबिट है मिथुन के साथ। अब पहले ना हमें इस लोन को समझना है तभी हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ सकते हैं। एक के साथ क्रेडिट लिखा है एक के साथ डेबिट लिखा है, तो जिसके साथ क्रेडिट लिखा है वो फर्म के लिए लायबिलिटी है, तो इसका मतलब फर्म ने पार्टनर से पैसा ले रखा है। अब इंटरेस्ट का फ्लो बना लेते हैं क्योंकि हमें ना इधर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, बैलेंस शीट नहीं बनानी आज के क्वेश्चन में, इसलिए इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट का फ्लो। तो यहां पे फर्म देगी किसको, पार्टनर को, ये इंटरेस्ट का फ्लो है इसलिए मैंने पेन का कलर चेंज कर दिया। और जो डेबिट है वो एसेट है, इसका मतलब हमने पार्टनर को दे रखा है। अब इधर जो फ्लो होगा ना वो उल्टा होगा, ये फर्म लेगी पार्टनर से, क्या लेगी, इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो यहां पे मैं ब्लू पेन से इंटरेस्ट लिख देता हूं। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, पहले ये डिफरेंस करना जरूरी था हमारे लिए तभी हम क्वेश्चन को आगे समझ पाएंगे। आगे क्वेश्चन ने दिया है, इट वॉज एग्रीड टू चार्ज एंड अलाउ 8% पर एनम, ये किस चीज का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो सकता है पर क्वेश्चन ने आगे स्पेसिफाई कर दिया है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 10%, बट अगर नहीं करा होता स्पेसिफाई तो फिर मैं कैसे करता, तो फिर मैं थोड़ा सा वर्ड्स पे ज्यादा अच्छे से ध्यान देता, क्या देता, अलाउ एंड चार्ज, मतलब पार्टनर को देना भी है लेना भी है, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे तो सिर्फ दिया जाता है लिया नहीं जाता, तो इससे क्लियर हो जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है मेरे पास वो 8% है, इंटरेस्ट ऑन लोन 8% है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है दोनों के साथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है वो हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज चार्ज 5,000 ईच, मतलब ये पार्टनर से लेना है, और उसके बाद प्रॉफिट गिवन है उसको हम देख लेते हैं, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की डायरेक्टली पोस्टिंग कर देते हैं यहाँ पे, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये पार्टनर से लेंगे तो फॉर्म के लिए थोड़ा प्रॉफिट की साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों से 5,000 ईच, तो 5,000 टोटल आ जाएगा 10,000। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू अबव, मतलब कि हमने ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है ना इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कोई ट्रीटमेंट करा है, उससे पहले का ये प्रॉफिट है, तो अब हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या होता है कि इसको पीएनएल से दिया जाएगा भले ही हमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इसको हमें देना ही देना है, ठीक, तो इसलिए ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन की आइटम नहीं है, पीएनएल
एल अकाउंट की आइटम है जो कि हमने 11th में करा था, तो 2,28,000 पे हम क्या करेंगे, जिससे इंटरेस्ट लेना है तो वो है मिथुन। कितना लेना है? 2 लाख का, सॉरी 2,08,000। मैंने ना सर इंटरेस्ट गलत जगह लिख दिया, यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 8% है, ठीक है कर लेंगे। तो 2 लाख का 8% आएगा 16,000, और माइनस करना है 3 लाख का 8% 24,000, क्योंकि जिसको देना है उसको माइनस कर दोगे, और यहां पे क्या आएगा आपके पास, इंटरेस्ट ऑन, ये किसका है, मिथुन लोन, और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन अतुल लोन। और फाइनल आंसर अब आप निकालेंगे। प्रॉफिट को ध्यान से पढ़ना, प्रॉफिट में लिखा है बिफोर गिविंग इफेक्ट। आईओसी तो हम यहीं से देते हैं, बट इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो पीएनएल से दिया जाता है, उसका भी इफेक्ट नहीं दिया, तो प्रॉफिट को पहले ठीक करना पड़ेगा। जिसको इंटरेस्ट देना है वो माइनस कर दो, जिससे लेना है वो प्लस कर दो। तो यहाँ पे फिगर निकाल लेते हैं, 228 माइनस 24, 2,04,000 प्लस 16, 2,20,000। ठीक, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दे देते हैं टू आईओसी अतुल मिथुन, 10-10% है, 50,000, 60,000, 5 लाख का 10%, 60,000, सॉरी, और 6 लाख का 10%, 5 लाख का 10%, 50,000, 6 लाख का 10%, 60,000, टोटल 1,10,000, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। अब जो प्रॉफिट बचेगा उसको हमने बांट देना है 3:2 में। एक बारी मैं क्वेश्चन में देख लेता हूँ कि कुछ और तो नहीं रह गया, हमने पाइथन स्किप कर दिया, नहीं और कुछ तो नहीं है क्वेश्चन में, तो बस बैलेंसिंग कर देते हैं। ये कितना हुआ, 2,30,000। 2,30,000 में से अगर हम 1,10,000 माइनस करेंगे तो 1,20,000 आता है मेरे पास। अब 1,20,000 को हम 3:2 कर लेंगे, मैं यहां कर देता हूं क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी स्किप कर दिया था। अतुल को आप 1,20,000 में से 5 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, डिवाइड करेंगे 5 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये आएगा आपके पास 24,000 इंटू 3 72,000, 24,000 इंटू 2 48,000। एक बारी दोनों का टोटल चेक करेंगे, बिल्कुल 1,20,000 आ गए। दोबारा से रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को। जो प्रॉफिट था ना उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन का इफेक्ट नहीं था, वो पीएनएल की आइटम है इसलिए इनर कॉलम में करा जा रहा है, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट को ठीक करने के बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देके पार्टनर्स में प्रॉफिट को बांट दिया, बट इस बार करंट अकाउंट से क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल था। तो इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो ऑर्गेनाइज रहेंगी, ऑर्डर में रहेंगी, पर हाफ एन आवर 40 मिनट्स की वीडियो बनाएंगे बार बार, सो दैट आप लोगों को बीच बीच में ब्रेक मिलता रहे। अब वही पिछली क्लास वाली बात को रिपीट करते हैं कि सारे वीडियो लेक्चर सारे नोट्स आपको कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या क्या मिलेगा हमारे पास। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे हमें रिकॉर्डिंग की फॉर्म के अंदर, और क्लास नोट्स मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगी, मल्टीपल चॉइस टेस्ट मिलेंगे जिसको आप सीयूईटी में भी यूज कर सकते हैं, और सब्जेक्टिव टेस्ट भी मिलेंगे, तो 2 टाइप के टेस्ट मिल जाएंगे, और लाइव डाउट क्लास ये भी आपको मिलेगी मंथ में 2-3 इनिशियली, जैसे जैसे पेपर आएंगे मंथ में 8-10 देखने को मिल जाएंगी, मतलब वीकली ट्वाइस या थ्राइस देखने को मिल जाएंगी। ठीक, पर ये मिलेगा कैसे, ये मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे जाके। आपको एंड्रॉइड की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, सदगुरु अकेडमी के नाम से है, और iOS में माई इंस्टीट्यूट के नाम से चलेगी। उसमें आपको हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना है, वो एप्लीकेशन एंड्रॉइड की ही तरह सदगुरु अकेडमी में कन्वर्ट हो जाएगी। उस पे जाके आपने कोर्सेस पे जाना है, कोर्सेस में आपको क्लास 12th अकाउंटेंसी का कोर्स दिख जाएगा। अभी हमने फीस में कुछ डिस्काउंट दे रखा है, नॉमिनल चार्जेस है इनिशियली कुछ दिनों के लिए, वहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो चलिए अभी क्लास को हम लोग एंड करते हैं। आपका कोई भी डाउट हो एप्लीकेशन से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड, आप हमें व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, और एप्लीकेशन में भी ऑप्शन है हमसे बात करने के लिए। तो नंबर हमारा नोट कर लीजिए, 9582782357। इस पे सिर्फ आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है,
कॉल हम इस पे जल्दी से पिक नहीं करते हैं, हमें लगेगा तो हम वापस कॉल बैक करेंगे। और जो आप मैसेज करेंगे उसमें आप लिख भी सकते हैं कि सर प्लीज कॉल कर लीजिए, हम जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम कॉल कर देंगे। अब यहाँ पे आप अपने डाउट्स भेज दीजिए, जनरली सेम डे आंसर हो जाते हैं बट मैक्सिमम 48 आवर्स का टाइम मान के चलिए कि हम आपको रिप्लाई कर देंगे। एप्लीकेशन से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो आप इस पे भेज सकते हैं। तो अभी फिलहाल इस क्लास को यहीं पर ही एंड करते हैं, जल्दी ही नई क्लास में मिलेंगे।